नहीं किया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नंदकुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें अब औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब नंदकुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई भी दी है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर नंदकुमार साय को औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही साथ अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नंदकुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत अब उन्हें औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। और जिसके बाद आपको बता दें कि सीएम ने उन्हें बधाई दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, आपसे समझना चाहूंगे, जिस तरह से नंदकुमार साय को अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सीएम की तरफ से उन्हें बधाई भी दी गई है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नंदकुमार साय एक आदिवासी वरिष्ठ नेता है, पूर्व में वो अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी एक मई, दो महीने पहले नंदकुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा था, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे नंदकुमार साय, और कई बार चुनाव भी जीते हैं वहां से, और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और नंदकुमार साय ने एक मई को कांग्रेस का दामन थामा था, और दो महीने पहले ही नंदकुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा था, तब अनुमान लगा रहे थे। और नंदकुमार साय का भी कहना था कि हो सकता है कि पार्टी कोई जिम्मेदारी से, तो देखिए आज नंदकुमार साय को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नगर निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, और कैबिनेट मंत्री का नंदकुमार साय को दर्जा दिया गया। देखिए लगातार आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार बड़े बड़े प्रयास कर रही है। देखिए बीजेपी के बड़े नेता कहलाते थे नंदकुमार साय, और अब कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल होने के बाद नंदकुमार साय को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त दिया गया, इसकी सरकार ने घोषणा कर दी। और देखिए बता दें कि कल दिल्ली में कल बैठक हुई थी बुधवार में, उसके बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज कुछ देर पहले ही नंदकुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बिल्कुल प्रदीप, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पूरी तरह से चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बदलाव का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए नंदकुमार साय आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और आदिवासी क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो देखिए नंदकुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, क्योंकि देखिए वरिष्ठ नेता है, वो पूर्व में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं नंदकुमार साय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि दो महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, एक मई को कांग्रेस का दामन थामा था, और आज उनको लगभग 50 दिनों के बाद आज उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। देखिए लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं नंदकुमार साय, तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और नगर निगम मंडल का लगातार उनको बताया जा रहा था कि अध्यक्ष बनाया जाएगा, और आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नगर निगम का अध्यक्ष नंदकुमार साय को बनाया गया। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से। बड़ी